साथ ही साथ विदेश यात्रा करने वाले डॉक्टर स्वामी विवेकानंद महाराज मुखारविंद से सभी अनुसार प्रवचन करेंगे। बोली प्रेम से श्री पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोत कछु न बसा को एकाग्र करने के लिए एक बार बुलंद आवाज में गुरुदेव का जय घोष करें ताकि हमारा बिखरा हुआ मन एकाग्र हो जाए। जो लोग बातचीत कर रहे हैं मौन हो जाए तथा जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं अपनी जगह पर बैठ जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। सबके हृदय पर राज करने वाले सर्वगुण संपन्न कणकण में विराजमान परमाराध्य गुरुदेव के चरण कमलों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। गुरुदेव के मानस पुत्र देवदूत को भी धक्का देने वाले तथा गुरुदेव के चरण शरण में सर्वदा रहने वाले सेवा करने वाले अद्भुत पूज्यपाद गुरु से भी नाम से विख्यात पूज्यपाद के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हैं प्रणाम करते हैं। शील और सदाचार के मूर्ति पूज्यपाद स्वामी रघुनंदन जी महाराज के चरणों में नमन करते हैं। परम विद्वान स्वामी सत्य प्रकाश जी महाराज तथा स्वामी ज्ञान ध्यान के मूर्ति स्वामी ज्ञान शिखर जी महाराज, स्वामी अमर बाबा मन संचालन जी महाराज, स्वामी रामजी बाबा, स्वामी गणेशानंद जी महाराज तथा स्वामी गजानंद जी महाराज, हमारे परम आदरणीय मुखिया जी तथा हमारे मंत्री महोदय, सर्व कार्यकर्तागण, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सबों को कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात में जो मिस्टर हेनरी और मुझसे शास्त्रार्थ छिड़ा, उन्होंने सैकड़ों प्रश्न किया मुझसे कि महाराज धन मेरे पास बहुत है, संसार में जय जयकार है, भगवान ने मुझे विद्या और वाक्पटुता भी बहुत दी है, लेकिन मैं अपने दैनिक जीवन पर विश्लेषण करता हूं, विचार करता हूं, तो मैं अपने को क्षुद्र
असंतोषी और गरीब पड़ता हूं। स्वामी जी क्या मुझे उस राज को बताएंगे जिस राज को जानकर जीव शांतिमय हो जाता है, जीव अपने स्वरूप में लीन हो जाता है। दुनिया में बहुत सारे कर्म है, कोई खेती का काम करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, लेकिन कोई कोई ईश्वर की भक्ति करते हैं। और भक्ति का मतलब समर्पण होता है, फुल सरेंडर, नो टू ओन सेल्फ। अपने आप को जानिए, आत्मानं विद्धि, अपने आप को जानिए। सबको जान लिए लेकिन अपने आप को नहीं जाने, आपने अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर अपने टांग को काट दिए, अपने को घायल कर रह न सके। वो दुनिया के मालिक थे, जब चला सिकंदर यहां से तो दोनों हाथ खाली थे। जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिना मुहूर्त के उठा ली जाएगी, संत कबीर ने कहा, नाम सुमरवर बाबरे तेरी सदा न दहिया रे, यह माया को कौन की किकरे संग लागी रे, गुदड़ी से उठ जाएगी चित चेत भागी रे, सोने की लंका बनी बैधूर की धानी रे, श्री रावण की साहबी क्षणवाही बिलानी रे, नाम सुमर नर बाबरे तेरी सदा न दहिया रे। स्वामी रामतीर्थ ने कहा था, वी आर अफॉर्चुनेट दैट They found the way of salvation. हम बड़े भाग्यशाली हैं कि परमात्मा ने मानव का शरीर दिया है। और क्रिस्ट जीसस ने कहा, क्रिस्ट जीसस ने कहा, whoso go to go the deep consciousness and to self realization, that's right, he find out the God and he filled in the life very peace. वह जो अंदर की गहराई में समाधि में उतरता है, जो सारे शरीरों को पार कर जाता है, क्रॉस कर जाता है, वो परमात्मा का दर्शन कर पाता है, वो परमात्मा को जान पाता है, वो आवागमन के चक्र से छूट जाता है। मैंने कहा, हेनरी, ईश्वर की भक्ति करने वाले इस्लाम के महासबूत हजरत मोहम्मद साहब बकरी चराते थे और ईश्वर की भक्ति करते थे, सत्संग करते थे, वो इस्लामों के पैगंबर हो गए। भीड़ चराने वाले पादरियों के ईसा मसीह, ईसाइयों के पैगंबर कहलाए। गाय चराने वाले महाजोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण महाजोगेश्वर थे, साधन करते थे, ध्यान करते थे और महाजोगेश्वर भगवान कहलाए। हमारे गुरुदेव महर्षि मही परमहंस जी महाराज कुप्पाघाट भागलपुर की गुफा में ध्यान करते हुए अपने शरीर को सुखा दिया था, अपने लहू को जला दिया था और परमात्मा को प्राप्त कर लिया था। आज घर घर में उनकी तस्वीर लगी हुई है। हेनरी, मैंने फिजिक्स में पढ़ा था, मनुष्य के जीवन में कुछ सार तत्व तो है। फिजिक्स में पढ़ा था, डिवाइन लाइट एंड डिवाइन साउंड, लाइट और ए साउंड क्या है? ये हमारे शरीर में है। हमारे गुरुदेव महर्षि मही परमहंस जी ने कहा, खोज करो अंतर्ज्ञानी और दृष्टिमान को देखा है। गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है और निश्चिंत सुरत अधर पर करके अंधकार फट जाता है। ये 36वां अधिवेशन क्या बताता है? छह क्या है? छठा चक्र का केंद्र बिंदु आज्ञा चक्र है। हमारे शरीर में आज्ञा चक्र है, हमारे शरीर में 72 करोड़ नाड़ियां है। 3 नाड़ियों की प्रधानता है, हेनरी, इड़ा पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना में जो प्रवेश करता है, 10वां द्वार में जो प्रवेश करता है, आज्ञा चक्र में प्रवेश करता है, इसे शिवनेत्र भी कहा गया है। यहां से व्यक्ति का उत्थान होता है। और 36वां अधिवेशन कराने का मतलब क्या है?
छठा चक्र का केंद्र बिंदु आज्ञा चक्र में जाए। और तीन क्या बताता है, 36 में पहले तीन होता है, ये तीन क्या बताता है? हम लोग पहले सगुण की उपासना करते हैं, उसके बाद फिर निर्गुण की उपासना करते हैं, और फिर निर्गुण सगुण के पार में, सगुण और निर्गुण को पार करके हम परमपिता परमात्मा को जान लेते हैं। इसलिए 36वां जिला अधिवेशन करवाया गया है, और जगह का नाम क्या है, कौन घाट है, अगुवानी घाट, खीराडी, एक खीरा घाट खीराडी है और एक अगुवानी घाट भी मिलता है ना। अरे अगुवानी घाट अगुवानी करता है, बताते हैं हमारे गुरुदेव महर्षि वही परमन जी महाराज इलाहाबाद गए थे, बहुत सारे लोग गए थे वहां बाबा देवराहा बाबा के दर्शन करने के लिए। देवराहा बाबा ने पूछा था आप लोग कहां से आए हैं, तो कहा कुप्पा घाट से, आपके गुरुदेव का नाम क्या है, तो वहां से नहीं परमन जी महाराज, कहा वो आजकल कहां रहते हैं, तो कहा कुप्पा घाट में। देवराहा बाबा कहते हैं इतने बड़े महर्षि हैं, इतने बड़े संत हैं, और वो कुप्पा घाट में रहेंगे, वो कुप्पा घाट में नहीं रहते हैं, तो स्वामी जी कहां रहते हैं, उस सुषुम्ना घाट में रहते हैं, श्री सद्गुरु महाराज महर्षि में सुषुम्ना घाट में रहते हैं। हम छठा चक्र में प्रवेश करें, हमारे गुरुदेव ने कहा दो नए नजर जोड़ के एक नोक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना, निस्तर में खोज सज्जन बाहर में खोजना। इसके लिए पहले मानस जाप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए, ये मोटा मोटे ध्यान है, फिर दृष्टि योग की साधना कीजिए आप। दृष्टि योग की साधना में हमारे गुरुदेव अरि में लिखते हैं दृष्टि योग अभ्यास अति ही करते ही करत और कपनी सहजे छुटे प्रौढ़ सूरत तिल दरवाजा टूटे नजर के जोर से अरिहारे में ही लगे टकटकी खूब जोर बल जोर से। दृष्टि की चेतन धार जब एक जगह मिलती है एक बिंदु पर कंसंट्रेट होती है तो अंधकार फट जाता है, निश्चिंत सूरत आदर पर करके अंधकार फट जाता है, अंधकार फट जाता है आसमान में छेद हो जाता है। स्थान भेद से अवस्था भेद, अवस्था भेद से ज्ञान भेद होता है। मैं समाप्त कर रहा हूं, हमारे गुरु महाराज ने इस तरह की साधना किया और ऐसे हजारों भक्त हैं जिसको गुरु महाराज ने आवागमन का चक्र को छुड़ाने के लिए ईश्वर की भक्ति प्रदान किया। खत्म कर रहा हूं, हमारे पूज्यपाद गुरु स्वामी भगीरथ दास जी महाराज यहां विराजमान है, गुरु महाराज की बड़ी सेवा की इन्होंने, और एक बार गुरु महाराज से प्रवचन भी करवाया और उन्होंने कहा कि मैं इस लड़का से प्रवचन इसलिए करवाता हूं, ये लड़का संत मत में एक दिन काम आएगा, ये लड़का एक दिन काम आएगा, और ये जो बोलेगा वही होगा, ये जो बोलेगा वही होगा। आज पूज्यपाद गुरु से भी भगीरथ दास जी महाराज यहां विराजमान है, इन्हीं के आशीर्वाद से और वर्तमान आचार्य जी के आशीर्वाद से माता पर हाथ रख के आशीर्वाद दिया था और विदेश की यात्रा में सफल हो गया था। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। मैं आप सभी लोगों को कहा अब